आइए दोस्तों, आज हम आपको रैंक फंक्शन का यूज दिखाएंगे MySQL में। देखिए, रैंक फंक्शन हमारा ये भी हमारा ओवर के साथ काम करता है दोस्तों, और ओवर के अंदर हम एक पैरामीटर देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लिखा, फिर आईडी ली, फिर नेम लिया, फिर सैलरी ली, और यहाँ पर फिर हमने रैंक लगाया, रैंक फंक्शन का यूज किया। उसके बाद हमने ओवर लगाया दोस्तों, ओवर के अंदर ऑर्डर बाय हमने सैलरी को डिसेंडिंग किया। बाय डिफॉल्ट ये दोस्तों असेंडिंग रहता है, इस बार हमने डिसेंडिंग लिया, ठीक है। और एक अलियास दिया एज ए रैंक डी के नाम से, ठीक है। और कहां से? एम्प्लॉय थ्री वाली टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय थ्री वाली टेबल से। अब इसको रन करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसने हमें आईडी वाला कॉलम दिया, नेम वाला कॉलम दिया और सैलरी वाला कॉलम दिया, ठीक है। तीन कॉलम तो इसने दिए। और जो हमने रैंक वाला फंक्शन यूज किया दोस्तों, उससे इसने हमें रैंक वाला एक कॉलम, जो कि हमारा ये वाला कॉलम है रैंक डी नाम का, ये बना के दिया। और उसी उसके अंदर दोस्तों, मतलब जब हमने ओवर लगाया था, ओवर के अंदर हमने सैलरी को डिसेंडिंग करा था, तो यहाँ पर इसने सैलरी को डिसेंडिंग करके उस पे रैंक लगाई है। तो देखिए, जहाँ सबसे ज्यादा सैलरी है उसे वन नंबर दिया है, जहाँ पे उससे कम सैलरी है जो दो नंबर की सबसे ज्यादा है उसे टू नंबर दिया है। और देखियो देखो दोस्तों, तीसरे नंबर की जो सैलरी है, जो सबसे मतलब टू नंबर की जो सैलरी है वो सेम आ रही है, मतलब दो नंबर और तीन नंबर की जो सैलरी है हमारी वो सेम आ रही है। तो रैंक फंक्शन क्या करता है, उनको सेम ही रैंक दे देता है और आगे की जो नेक्स्ट रैंक होती है उसको स्किप कर देता है। बस यही काम करता है दोस्तों ये रैंक, हमारा रैंक फंक्शन, ठीक है। और आप आगे भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पांच नंबर पर हमारे इसने 35,000 रुपए दिए, जो कि सैलरी बताइए पांच नंबर की हाईएस्ट सैलरी है। और छठे नंबर पर दोस्तों हमारी 30,000 की सैलरी है, ठीक है। और देखिए सातवें नंबर पर भी 30,000 की सैलरी आई है, तो उसको भी सेम ही रैंक दी है। और आठवें पर भी देखिए 30,000 की आई है, तो उसको भी सेम ही रैंक दी है। तो और इसने छह से दो रैंक और दिए, मतलब छह छह करके, तो इसने सात और आठ को स्कीप कर दिया, और जो नेक्स्ट रैंक आई है दोस्तों उसे 9 से स्टार्ट किया इसने। तो आपने देखा रैंक फंक्शन कैसे काम करता है। चलिए, ओके, थैंक यू।